जय गुरु। 20 दिन 1945 राजेंदा या मजुमदार दा श्री ठाकुर जी से पूछ रहे हैं, परिवेश का कोई यदि अपने चाल चलन के दोष के कारण बीमारी अशांति में रहता है, इसमें दूसरे से क्या संबंध है? श्री ठाकुर बोल रहे हैं, संबंध है जाजन का, संबंध है सेवा का, संबंध है असत निरोध का। हाथ बढ़ाकर यदि निराकरण परायण न होते हो तब आप कर्म जो करता है उसके साथ ही साथ तुमको भी दुर्भाग्य भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जितना भी सत चालन से चले ना क्यों, परिवेश के यदि साध्यानुसार संभाल नहीं सकता है तब अक्षमता के कारण थोड़ा बहुत उसकी क्षति होगी ही। व्यक्ति के लिए समष्टि है, जन के लिए राष्ट्र है। प्रत्येक व्यष्टि ही देहरूपी समाज का एक एक अंग है। इसके किसी भी अंग में क्षति होने पर प्रत्येक अंग पर उसकी प्रतिक्रिया दिखाई देगी ही। इसलिए हो सके तो किसी को बुरा बनने नहीं देना चाहिए, स्वयं अच्छा बनना चाहिए, दूसरे को भी अच्छा बनाना चाहिए। कौन कितना अच्छा है उसका एक प्रधान परख है वो परिवेश को कितनी अच्छाई को और मोल्ड या नियंत्रित कर सकता है। सिर्फ नीतिगत बात कहने से नहीं होगा, नीति जिनमें मूर्त है उनको प्रसारित करना होगा और यही है जजन। हरिदा या गोस्वामीदा पूछ रहे हैं, जजन से सभी जो लाभान्वित होते हैं ऐसी बात तो नहीं है? श्री ठाकुर बोल रहे हैं, लाभान्वित न होने में उन लोगों की त्रुटि हो सकती है, तुम्हारी भी त्रुटि हो सकती है, लेकिन तुम में जिससे त्रुटि ना रहे उसे देखना होगा। सभी जो नहीं सुधरेंगे सभी सुधरने लायक नहीं है, यह बात तो सही है, लेकिन तुमको जितना करना चाहिए वो करना होगा, जितना बनाना है उतना करना होगा और पराक्रम वो कौशल के साथ असत निरोध भी करना होगा। सभी तरह के अस्त्र हाथ में रखना होगा जिससे कोई भी बचकर ना निकल जाए। छल बल कौशल से वो करना होगा जिससे प्रत्येक का अच्छा हो। एक मनुष्य की बुराई यदि उसमें सीमावत रहती तब तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसके माध्यम से परिवेश इन्फेक्टेड या संक्रमित हो सकती है, यही डर है। इसलिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। परिवेश को जैसे ठीक करना चाहिए ऐसे ही मनुष्य के जन्म की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जन्म अच्छा नहीं होने पर बाहर से तोड़ जोड़ करके ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम लोग के ऋषिगण विवाह विधान के संबंध में इतना कठोर थे। राष्ट्र की भलाई जो चाहते हैं सबसे पहले उन लोग को इस तरफ ध्यान देना होगा। आलोचना प्रसंग भाग 6 पृष्ठ संख्या 55। जय गुरु।